ये मेरे हाथ में है सिल्क वॉर्म और ये है एप्पल वाइन। मुझे नहीं पता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा, ये पहली बार खा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रैवल सीरीज की इस वीडियो में हम देखेंगे नागालैंड का फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल और जानेंगे नागालैंड के ट्राइब्स के बारे में। साथ ही हम ट्राई करने वाले हैं कुछ बहुत यूनिक फूड आइटम्स। तो आइए देखते हैं कैसा रहा हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल का एक्सपीरियंस। दीमापुर में अपने बढ़िया से रिजॉर्ट में अच्छे से सोने के बाद सुबह के 5:30 बजे हम चल दिए एक ऐसे डेस्टिनेशन की तरफ जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। वो डेस्टिनेशन थी हॉर्नबिल फेस्टिवल साइट और हम जा रहे थे हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने। पर मंजिल की छोड़ो, ये तो रास्ता ही इतना खूबसूरत था जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बादल जैसे बिल्कुल रोड तक उतर आए हों। अब क्योंकि हम रिजॉर्ट से जल्दी चले थे तो रास्ते में एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुके। हाँ ये हमारे सीएम साहब, ये इनका होटल है। जुक जुक जियो भैया। हम जा रहे हैं कोहिमा, सुबह के 7 बजे हैं। एज यूजुअल, जैसे हमेशा होता है, अगर मुझे जल्दी उठना पड़े तो बड़ी बुरी हालत होती है। मेरा वही हर बार का रोना है, जल्दी नहीं उठा जाता। 5 चाय और ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म चाय और पूरी सब्जी मिल जाए तो बात ही क्या है। अरे एक मिनट, कुछ बताना भूल गया। दीमापुर से हमें ज्वाइन किया दो और को ट्रेवलर्स ने, गौतम एंड राकेश। बहुत अच्छा लगा भैया जी से मिलके। बहुत अच्छा लगा, अभी मिले हैं। अभी मिले हैं, अभी जानी बहुत बाकी है, ये तो है, मिलते हैं, देखते रहिए भैया जी का चैनल। राकेश फ्रॉम बेंगलुरु। अब आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद हम वापस चल दिए हॉर्नबिल फेस्टिवल साइट की तरफ। फेस्टिवल साइट नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से थोड़ी ही दूरी पर थी और करीब 9 बजे हम साइट के मेन गेट पर पहुंच चुके थे। और मेन गेट से अंदर जाते हुए मैं ये सोच रहा था कि ये पहाड़ के ऊपर फेस्टिवल कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। फेस्टिवल के लिए तो कोई प्लेन मैदान चाहिए। पर इस सस्पेंस को कायम रखते हुए हम पहले पहुंचे अपनी कैंप साइट। अगले 2 दिन हम यहीं रुकने वाले थे। ये है हमारी कैंप साइट हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए, हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। और ये नज़ारे इस तरफ, सब तरफ ही है एक्चुअली में। यहाँ हमें ज्वाइन किया एक और को ट्रेवलर ने, पूर्वी। थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद अब टाइम था फेस्टिवल साइट पे जाने का। हम जा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल के इनॉग्रेशन सेरेमनी देखने। गर्मी गर्मी भी है और हल्की सी ठंड भी हो रही है, मतलब हवा चल रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ठंड है। तो ये जैकेट, एक जैकेट से काम चल रहा है। हमारे टूर ऑपरेटर ने एक ग्रुप के साथ में टैग कर दिया है और नागालैंड में हम जितने दिन हैं, हॉर्नबिल एंड जुको वैली, वो हम लोग सब साथ में ही रहने वाले हैं। आज हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का इनॉग्रेशन डे था और हमें बताया गया था कि इनॉग्रेशन सुबह के 11 बजे होना है, तो हम भी टाइम से पहुंच गए। और यहां पहुंचते ही मेरा सारा डाउट दूर हो गया।
साइट इतनी खूबसूरती से बनाई गई थी कि देखते ही लगा क्यों ही डाउट कर रहा था। एक बड़ा सा ओपन एयर थिएटर जिसमें सारे परफॉर्मेंसेज होनी थी और उसके बाहर हर ट्राइब के लिए एक सेपरेट एरिया जहां ट्राइब्स अपने कल्चर, फूड, क्लोथिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं। ये बर्ड का विंग इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे टेप से। अच्छा, कौन सी बर्ड है वो नहीं पता इनको भी, और मुझे तो पता ही नहीं है, मतलब क्यों पता होगा मुझे, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब किसी वजह से फेस्टिवल इनॉग्रेशन में थोड़ा डिले हो रहा था, तो मीनवाइल हम ट्राइब्स के स्टॉल्स देखने लगे। नागालैंड में 16 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ट्राइब्स हैं और सबका अपना अपना कल्चर है, और इनके ट्राइबल कल्चर को बाहरी दुनिया के सामने प्रमोट करने के लिए ईयर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। तब से हर साल 1 से 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि इतने सारे ट्राइब्स अपने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से अपनी अपनी कम्युनिटी में फेस्टिवल्स मनाते रहते हैं, और इसीलिए नागालैंड में करीब करीब पूरे साल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल में ये सारे ट्राइब्स एक साथ आके अपने अपने फेस्टिवल की एक झांकी दिखाते हैं। हमारे लिए तो फेस्टिवल शुरू हो चुका था। मैंने एप्पल जूस खरीदा है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही सही, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा खट्टा खट्टा सा है, खट्टा मीठा टाइप, पर काफ़ी सही है। मैंने जो मंगाया है उसमें स्नैक्स के लिए है पोक। लजीज, शानदार, बेहतरीन। कॉर्न टी है ये, और ये है राइस प्लस ससमी, स्नैक्स की तरीके से खाते हैं। कुछ नहीं समझ आया मुझे, हल्का सा स्पाइसी है। अब फ्लेवर आया, थोड़ा चबाया तो अब फ्लेवर आया। ये ब्लेंड है, इसमें कोई मसाला नहीं है, और कॉर्न का फ्लेवर आ रहा है। खाते पीते हम पूरा एंजॉय कर रहे थे। हर ट्राइब के एरिया में कुछ नया देखने को मिल रहा था। ट्राइब्स की तरफ से इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे लोग अपने अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में थे। काफी जगह लोग उनके साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, और वो लोग भी खुशी खुशी पोज दे रहे थे। हर ट्राइब के अपने डांस ग्रुप्स भी थे जिनको ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना था, पर थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस तो यहीं हो रही थी। काफी देर तक यूं ही नागालैंड के ट्राइब्स के यूनिक कल्चर को एक्सप्लोर करने के बाद हम ऑडिटोरियम में जाके बैठ गए। फेस्टिवल का इनॉग्रेशन तो नहीं हुआ था, पर सभी लोग ऑडिटोरियम में आने लगे थे। सारे ट्राइब डांस ग्रुप्स भी यहां पहुंच चुके थे, और थोड़ी ही देर बाद सारे के सारे डांस ग्रुप्स सेंट्रल एरिया में आ गए। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा एक्स्ट्रावेगेंजा जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सारे ग्रुप्स ने अपने अपने स्टाइल में एक साथ डांस करना शुरू कर दिया।
अपना अपना यूनिक सॉन्ग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देखते ही देखते सारा ऑडिटोरियम लाइट से भर गया। शाम हो गई थी भाई, लाइट्स तो ऑन करनी ही थी। और फाइनली हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 के इनॉग्रेशन का टाइम आ गया था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने फेस्टिवल को ऑफिशियली इनॉग्रेट किया और शुरू हुआ गेस्ट के स्पीचेस का सिलसिला। फ्रेंकली स्पीचेस के दौरान हमें लगा कि आज फेस्टिवल में कुछ और नहीं होना है, तो हम वापस कुछ खाने पीने आ गए। यार जिन भी अच्छा लगता है ये टाइम पर, बट मिलेगी नहीं। जिन एंड ओल्ड मॉन्क की बातें चल रही हैं। मेरे को ओल्ड मॉन्क याद आ रही है। पर फिर किसी ने हमें बताया कि अभी तो आज का मेन शो बाकी है। और सही में स्पीचेस खत्म होने के बाद स्टेज पर जो शुरू हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक के बाद एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस हो रही थी और पूरा क्राउड साथ में डांस कर रहा था। यहाँ आने से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कुछ ऐसा देखने जा रहा हूँ। कितना कम जानते हैं ना हम अपने ही देश के बारे में। फेस्टिवल का पहला दिन खत्म हुआ और मुझे फुल पैसा वसूल वाली फीलिंग आ रही थी और खुशी खुशी हम अपने कैंपसाइट वापस आ गए। अगली सुबह जल्दी से रेडी होकर हम फिर से फेस्टिवल साइट पहुंच गए। आज हर ट्राइब की इंडिविजुअल डांस परफॉर्मेंस होनी थी। ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंसेस शुरू हुई और एक के बाद एक नागालैंड के ट्राइब्स ने अपना कल्चरल डांस प्रेजेंट किया। ट्राइब्स के लोग स्पेसिफिक ओकेजन्स पे अपनी ही कम्युनिटी में ये डांस परफॉर्म करते हैं। अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहने ये आर्टिस्ट पूरे एंथुजियाज्म से ये परफॉर्मेंस कर रहे थे। और जब ऑडिटोरियम में डांस चल रहा था, बाहर के एरिया में कुछ अलग ही मौज मस्ती चल रही थी। ये मेरे हाथ में है सिल्क वॉर्म और ये है एप्पल वाइन। अब मैं ये दो चीज़ें एक साथ क्यों लेके खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा। ये पहली बार खा रहा हूँ, तो अगर मुझसे नहीं
जमा नहीं पचा तो मैं इसका शॉट मार लूँगा। एक्चुअली पहले इसको ट्राई करके देखता हूँ कभी ये ज़्यादा नेस्टी निकले। ये स्वीट है, ये स्वीट है। इट्स ओके, ठीक है यार, ये तो स्नैक्स है, ये अच्छा लगा, ठीक है। सिल्कों और खा लिया मैंने जिंदगी में, इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, ख़राब नहीं लगेगा ये पक्की बात। हमने आज का पूरा दिन ऐसे ही खाते पीते एंजॉय करते हुए निकाला और शाम होते ही फिर से स्टेज पे महफिल जम गई, गाना बजाना और डांस। हॉर्नबिल फेस्टिवल में हमारा आज आखिरी दिन था, लेकिन फेस्टिवल अभी और चलना था और बहुत कुछ बाकी था। अनफॉर्चुनेटली हम वो सब नहीं देख पाए। ढेर सारी हैप्पी मेमोरीज अपने साथ लेकर हम वापस आ गए अपनी कैंप साइट पे, और यहीं ख़त्म हुआ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का हमारा यादगार सफ़र। अगले वीडियो में हम जाएंगे नागालैंड का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट देखने, ज़ुकू वैली। कितना खूबसूरत है, हवा इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ इतना प्यारा है, और उसके साथ में ये तो दिल से गुजारिश आपसे एक ये है कि जब आप इतनी खूबसूरत जगहों पे आते हैं तो उस जगह को साफ रखना हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनकी है। और ज़ुकू वैली का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।